आगे जयपुर से खबर आ रही है। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए जयपुर पुलिस ने शुरुआत कर दी। पुलिस द्वारा परकोटे में निकाला जा रहा है फ्लैग मार्च। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ब्रिजेंद्र सिंह भाटी सहित 10 थानाधिकारी और टीम फ्लैग मार्च कर रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जयपुर से जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, बताइएगा, पुलिस का परकोटे में फ्लैग मार्च है, क्या संदेश देने की कोशिश इस दौरान? देखिए, आचार संहिता के दौरान चुनाव में जब आचार लगती है तो पूरे क्षेत्र के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है। वो शायद इसीलिए आज पूरे परकोटे के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए जो मेरे पीछे पुलिसकर्मी हैं, ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता का पालन आपको करना होगा, कि अब जो शक्तियां हैं वो तमाम शक्तियां पुलिस के पास होती है। पुलिस के पास सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भय मुक्त वातावरण के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराना भी एक जिम्मेदारी पुलिस की होती है। खुद एडिशनल डीसीपी वरेंद्र भाटी भी यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, आचार संहिता की पालना के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, जैसा आपको पता है कि राज्य में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो इस जो आज ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं इसके दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये मतदाताओं को ये संदेश कि भाई आप निर्भीक होकर मतदान करें, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हर जगह हर समय मुस्तैद है। और दूसरा, जो असामाजिक और अपराधी तत्व हैं उनको भी ये संदेश है, यदि उन्होंने थोड़ी सी भी कानून के विरुद्ध कोई कार्रवाई की तो उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। सर, धारा 144 भी आज लागू हो चुकी है, तो उसको पालना के लिए कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, उसकी पालना की जा रही है। जहाँ असामाजिक तत्व अगर 144 का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, चुनाव में सोशल मीडिया के द्वारा कोई भ्रम ना फैले, अफवाह ना फैले, इसके लिए किस तरह की तैयारी जयपुर की गई है? भाई, इस संबंध में संदेश दिया गया है, यदि ऐसे कोई भ्रम इस तरह के संदेश को प्रसारित करते हैं तो उस पर हम लोग, हमारा जो IT सेल है वो उसको चेक कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फ्लैग मार्च का जो दौर शुरू हुआ है आज से, दस्तूर जारी रहेगा आगामी दिनों में? ये जब तक इलेक्शन शांतिपूर्ण संपन्न नहीं जाएंगे तब तक डेली फ्लैग मार्च चलेगा हर अलग अलग इलाकों में। तो देखिए शिका, ये फ्लैग मार्च हम दिखाना चाहेंगे, देखिए तो QRT भी है, ERT भी है और तमाम ये देखिए पुलिस के जवान, महिला पुलिसकर्मी, ERT, QRT और शहर के जो संवेदनशील स्थान है शिखा, उन स्थानों को पहले चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के बाद में करीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की जो टुकड़ी है ये पूरे परकोटे का फ्लैग मार्च करेगी। जब तक चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न नहीं होते तब तक ये फ्लैग मार्च यूं ही जारी रहेगा। रोजाना रात का समय इसको चिन्हित किया गया है जिससे कि अपराधियों में भय रहे और आमजन में विश्वास है कि हाँ, पुलिस हमारे साथ है। शिखा, सत्यनारायण, फ्लैग मार्च के इतर और कौन कौन सी कवायद आगे की जाएगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता की पालना तो है ही, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी करवाना है। शिखा, देखिए क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के दौरान अफवाह न फैले सोशल मीडिया के द्वारा, ऐसे में सोशल मीडिया पर नज़र रखना काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस की, और साथ साथ अपराधियों को काबू रखना, अपराधियों में भय रखना और साथ साथ समाज के अंदर संदेश देना कि पुलिस आपके साथ है, आपको निर्भीक होकर भय मुक्त वातावरण के अंदर अपना मत देना है। तो इसीलिए ये पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है ये की जा रही है। संवेदनशील स्थान करीबन 120 जो पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है और अब फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों के अंदर ये फ्लैग मार्च रोजाना इसी तरह से होगा जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि हमें चुनाव के अंदर भयमुक्त होकर अपना मत का प्रयोग करना है जिससे कि एक सरकार बन सके जो कि प्रदेश के हित के लिए कार्य कर सके। शिका, सत्यनारायण, क्या फ्लैग मार्च के अलावा भी हर समय परकोटे की खास तौर पर बात करें, क्योंकि संवेदनशील इलाका भी कई बार देखा गया है, उन घटनाक्रम का जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगी, लेकिन क्या हर समय पुलिस की टुकड़ी भी वहाँ मौजूद रहने वाली है? देखिए, आज जयपुर शहर के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते और साथ साथ हथियार लेकर चलना भी बैन कर दिया गया है। और साथ साथ जिन व्यक्तियों के पास जयपुर शहर के अंदर हथियार हैं, जिनके पास लाइसेंस है हथियारों का, उनको अपने अपने हथियार जमा कराने होंगे। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे परकोटे के जो हाल है, पूरे गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उन गलियों के अंदर पूरी गाड़ियाँ घूम रही है और वो गाड़ियाँ यही संदेश दे रही है कि पुलिस आपके साथ है, हर स्थिति के अंदर पुलिस आपके साथ है, भयमुक्त रहिए, लेकिन जो आचार संहिता है उसका पालन करिए, धारा 144 का पालन करिए, जिससे कि पुलिस इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करा सके और जयपुर शहर की जो संस्कृति रही है गंगा जमुन तहसील वो भी कायम रह सके। और शायद इसीलिए तमाम जो CLG मेंबर्स हैं उनकी और शांति समिति की जो मीटिंग ली गई थी जिसमें यही बात कही गई थी कि हमें निष्पक्ष होकर लेकिन भाईचारे के साथ रहकर कानून की पालना करते हुए अपने जो मत है उसका प्रयोग करना है। शिका,
सत्यनारायण, क्योंकि जब आप बातचीत कर रहे थे उस दौरान एक जानकारी ये भी दी गई थी कि अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च का जो क्रम है वो बदस्तूर जारी रहेगा। इस बार परकोटे को चिन्हित किया गया, परकोटे से शुरुआत की गई है। इसके बाद आगे और कौन से इलाके हैं जहां फ्लैग मार्च निकाला जाएगा? शिका, देखिए सबसे पहला जो बड़ा इलाका है परकोटे का इलाका है, जहाँ पर काफ़ी सांप्रदायिक स्थिति हमेशा नॉर्मल नहीं रहती है। इसमें परकोटे को चिन्हित किया गया है, परकोटे के 120 जो पॉइंट्स है उनको चिन्हित किया गया है, जहाँ पर रोज़ाना पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च निकालेंगे। और कल से अब जयपुर शहर के जो बाहरी इलाका है, जवाहर नगर, वैशाली नगर, जवाहर सर्किल, माल नगर, इन इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। और विशेषकर उन स्थलों पर नजर रखी जाएगी जहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ खराब हो सकती है या भय व्याप्त हो सकता है। इसके अलावा करीबन 300 से अधिक जो बदमाश है उनकी सूची बनाई गई है, जिनको कि गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो चुनाव के अंदर कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। ऐसे में उनको भी चिंतित किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया का ध्यान रखा जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह न फैलाए लोग, इसका भी पूर्ण ध्यान रखने के लिए टीमों का गठन किया गया है। शिका, सत्यनारायण, फिलहाल फ्लैग मार्च के दौरान कौन कौन मौजूद है? शिका, देखिए फ्लैग मार्च आज निकाला जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ इलाका है तो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजेंद्र सिंह बाटी, 10 थानाधिकारी मौजूद हैं। साथ साथ सुभाष चौक, रामगंज, गलता गेट, मानक चौक और गलता गेट के अलावा जो अन्य 5 थाना इलाका है, उन सभी तमाम जो थानाधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। विशेष बात यह है कि भय मुक्त होकर आप अपना मत का प्रयोग कर सके और साथ साथ अपराधियों में भय रहे, आमदनी में विश्वास रहे, पुलिस आपके साथ है। आचार संहिता लग चुकी है, धारा 144 भी आज लागू हो चुकी है, तो उसकी पालना सुनिश्चित के लिए ही इस पूरे फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। रोजाना जब तक चुनाव होंगे तब तक इस पूरा फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। शिका, चलिए सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जोड़ने के लिए, जानकारी देने।